नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय गुमराह बचपन में आपका स्वागत करती हूँ। हमारी सोच और कल्पना की भी एक दुनिया होती है, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं होता कि हम जो सोचे वो सच हो जाए। लेकिन अपराध की योजना बनाने वाला दिमाग भी तो अक्सर अपनी कल्पना, अपनी सोच को एक हकीकत की शक्ल देने की ही कोशिश कर रहा होता है। और जब ऐसे परफेक्ट क्राइम घटते हैं तो कई बार वो इतना चकित कर देते हैं कि यही लगता है, क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है। ये केस भी एक ऐसी ही अतिशयोक्ति है। जो हुआ था वो बेहद ही संगीन जुर्म था, लेकिन जिस तरह से हुआ था वो अकल्पनीय था। हर मोड़ पे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अपराधी ने कोई ऐसा क्राइम थ्रिलर लिख डाला था जिसमें इंसानी जज्बात और हैवानियत का हर वो रंग था जिसने कई हंसती खेलती मासूम जिंदगियों को बेरंग कर दिया था। तो प्रसून जी, आपने अपनी इस नॉवल के अंदर एक क्रिमिनल को ग्लैमराइज किया है, मतलब ये बुक क्रिमिनल पे है? जी नहीं फ्रेंड्स, मेरी ये नॉवल मेरा अस्तित्व एक ऐसी औरत की कहानी है जिसे अपने पति की शक्ल पसंद नहीं थी। उसने अपने पति के सर को काट के फेंक दिया और उसके जैसे ही दिखने वाले एक और आदमी की तलाश की। द मिथ ऑफ 7 डॉपलगैंगर्स एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, जिसका मतलब है एक ही शक्ल के 7 लोग इस धरती पे होते हैं। इंटरेस्टिंग प्लॉट। एक पर्सनल सवाल, क्या आपकी बीवी को आपकी शक्ल पसंद है? वेल फ्रेंड्स, मेरी बीवी तो एक जर्नलिस्ट है। अब उसे मेरी शक्ल पसंद है या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन हाँ, वो इस समाज का चेहरा जरूर बदलना चाहती है। सुमन, तुम तो अपने पति की तरह फ्रिक्शन निकलने लगी, तो इतना मेरे से मसाला। सर, लगता है आपने मेरे पति की किताबें नहीं पढ़ी, उनका कंटेंट हमेशा रियल लाइफ से इंस्पायर होता है। और सर, रही बात मेरी, तो मैं भी हमेशा सच ही लिखती हूँ। यू मीन गोंडा मर्डर केस में एक भैंस को बांधने वाली रस्सी का गायब करना क्रिमिनल का षड्यंत्र है? यस सर, उसी भैंस की रस्सी से उस विक्टिम के हाथ पर बांधे गए थे जिसकी लाश मिली है। और सर, मेरे पास प्रूफ है उसके लिए, ये देखिए सर। तुम्हारी वाइफ भले ही समाज का चेहरा बदल दे, पर तुम्हारी फितरत कभी नहीं बदल सकती, है ना? मेरी वाइफ की तरह जर्नलिस्ट से तुम भी हो, तो मान लो कि आज मैंने अपनी वाइफ की जगह मैंने जर्नलिस्ट बदल ली। वैसे तुम्हारी किताबों के कैरेक्टर्स भी ना तुम्हारी तरह होते हैं, एकदम फ्लर्टी और बातें एथिक्स की करते हैं। यू नो, कोई भी गुनाह तब तक गुनाह नहीं होता जब तक वो कानून की नज़र में ना आ जाए। और जो रिलेशंस रजामंदी से बनते हैं ना, वो गुनाह नहीं होते हैं। आदित्य, कब से खेल रहे हो यार, फोन दो मेरा। नो। अरे दो ना, मुझे घर निकलना है, फोन दो मेरा। आदित्य, आदित्य गोविंद का फोन दो, फोन दो गोविंद का। मामा। चलो। थैंक्स। चलो अंदर, चलो चलो अंदर, सारा दिन मोबाइल पर लगे रहते हो। ये देख आलिया को हर वक्त पढ़ाई में ध्यान रखती है, चल अब अपनी बुक्स उठा। अरे छोड़ो ना मम्मी, मुझे ना पापा जैसा राइटर बनना है, ना आपके जैसे जर्नलिस्ट, तो मुझे पढ़ने की क्या जरूरत, आई वॉन्ट टू बिकम अ गेमर। अरे वाह, कितना एम्बिशियस बेटा है मेरा। सो यू वॉन्ट टू बी अ गेमर? हाँ Yes, Daddy, मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट गेमर बनना है। Yes, proud of you, champ. वैसे तुम्हें पता, तुमने अपने डैडी को उनकी अगली नॉवल का आइडिया दे दिया, The Gamer. कैसा है? बहुत अच्छा है। हाँ, वैसे भी तुमसे बड़ा गेमर तो कोई हो ही नहीं सकता है। प्रसून, ये काम क्यों नहीं करते हो तुम, अगला नॉवल खुद पे लिख डालो, देखना बहुत चलेगी। वो तो चलेगी, लेकिन फिलहाल इस प्रसून को अपनी अगली नॉवल की लॉन्च पे कॉन्सेंट्रेट करना है, फिर से बाहर जाना है। प्रसून, तुम्हें पता ना कि तुम पूरे 3 दिन बाद लौटे हो? अगले 3 दिन और गायब रहना है, सिर्फ शक्ल दिखाने। प्रसून, क्या देख रहे हो, बुक्स लेकर आओ, अपनी पढ़ाई करो, गेमर बाद में बनना। ओ, ओ,
सुमन तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। अगर ये सब इतना आसान होता तो लोगों को फिर सपने पूरे करने के लिए स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ता। रुद्र, जर्नलिज्म में मैंने पूरी अपनी जिंदगी दी है और अगर मैं वो ना लिख सकी जो मैं लिखना चाहती हूँ तो क्या फायदा? रुद्र जरा सोचो, हमारा खुद का न्यूज वेब पोर्टल होगा तो होगा तब जब फाइनेंसर राजी होंगे। वैसे मैं क्या कहता हूँ सुमन, तुम्हारे पति के पास भी इतना पैसा। रुद्र, मैं अपने पति से कोई एहसान नहीं लेना चाहती। ओके, अरे सर, एक रागिनी ने लाश देखी तो हमें कॉल किया। आइए सर। सर, लाश को देख के लगता है कि किसी ने इसका गला दबाया है। और सर, पास में हमें एक रस्सी भी मिली है, हो सकता है इसी रस्सी से इसका गला दबाया गया हो। बॉडी पे एक्सटर्नल इंजरी के कोई मार्क्स भी नहीं है? नहीं सर, कोई मार्क्स नहीं है। सर, हमें एक कार मिली है, लावारिस कार। सर, शायद इसी कार से लाश डंप की गई है। क्रिमिनल इस कार को यहीं छोड़कर चला गया होगा। या सर, ये भी हो सकता है कि ये कार चोरी की हो। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये कार इसी लड़की की हो। कार में कुछ मिला? इस कार के पेपर वगैरह? नहीं सर, कार में कुछ नहीं मिला। मैंने अच्छे से चेक कर लिया है और कार की डिटेल निकालने के लिए भी बोल दिया है। सर, ये देखिए। सर, पासर भाई ने तो सिर्फ एक औरत की लाश देख के कॉल किया था, लेकिन यहाँ तो एक बच्चा भी है। बच्चे के सर पर काफी गहरी चोट के निशान है। गाड़ी में कोई खून मिला था क्या? नहीं सर, गाड़ी एकदम क्लीन है। इसका मतलब यह है कि बच्चों को कहीं मारकर यहाँ नहीं लाया गया, बल्कि बच्चे को यहीं लाकर मारा गया। लेकिन सवाल ये देखो, ड्रैगिंग के मार्क्स, और ये मार्क्स सिर्फ यहीं तक है, यहाँ से आगे नहीं है। इसका मतलब यह है कि बच्चे को यहाँ लाकर मारा गया है और यहां से घसीटते हुए वहां तक ले जाया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि दोनों लाशों को अलग अलग जगह पर डंप क्यों किया गया? एक्सक्यूज मी सर। हेलो, सुमन सिंह? ठीक सर, वो कार किसकी है ये पता चल गया। वो कार जर्नलिस्ट सुमन सिंह की है। जर्नलिस्ट सुमन सिंह? बेटा हिम्मत रखो, हिम्मत रखो बेटा। अच्छा, तुम्हारी मौसी के पति, तुम्हारे मौसा जी, वो कहाँ है? सर, वो तो आउट ऑफ स्टेशन है। तुम्हारी मौसी सुमन और तुम्हारा कजन आदित्य, ये गए कहाँ थे? सर, जब कल मौसी इवनिंग में आई तो वो बहुत पैनिक कर रही थी। तुम्हारी मौसी अपने साथ गन लेकर गई थी और बहुत सारा कैश भी, लेकिन बेटा गई कहां थी? उन्होंने कुछ नहीं बताया। कल से मौसी का और आदित्य का सर कुछ भी नहीं पता चल रहा। मैंने मौसा जी को भी कॉल किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फोन नहीं उठाया। अच्छा बेटा, तुम हमें अपने मौसा जी का नंबर दो। ऑफिसर, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दिस सिटी। प्लीज बताइए किसने मारा है मेरी बीवी और बेटे को। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आप 3 दिन से कहां थे?
मैं अपनी बुक लॉन्च के लिए दिल्ली गया हुआ था, लेकिन पहले आप बताइए कि आप पहले हमारे सवालों का जवाब दीजिए। आपकी पत्नी घर से इतना सारा कैश और गन लेकर कहाँ गई होगी? इंस्पेक्टर, मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। आलिया फोन कर रही थी आपको, आपका नंबर लग नहीं रहा था। आपकी आपकी पत्नी सुमन से तो बात हुई होगी? सुमन का कई बार कॉल आया था, लेकिन मैं इतना बिजी था कि मैं उसका कॉल आंसर नहीं कर पाया। बाद में मेरे फोन की बैटरी चली गई, अनफॉर्चुनेटली मैंने चार्जर भी कैरी नहीं किया था। किसी पे शक है आपको? सुमन वाज अ नोन जर्नलिस्ट, वो अक्सर कंट्रोवर्शियल मुद्दों पे लिखा करती थी। मे बी समबडी। और आपका बेटा, वो क्यों मारा गया होगा? ये आपको इन्वेस्टिगेट करना है ऑफिसर, और उल्टा आप मुझे से सवाल करे जा रहे हैं। देखिए, इन्वेस्टिगेट तो हम कर ही रहे हैं, वो हमारा काम है। फिलहाल आप जाइए, पोस्टमार्टम के बाद बॉडीज आपको सौंप देंगे। ये आदमी सस्पेंस थ्रिलर नॉवल लिखता है, हमें इसका सस्पेंस पता करना है। फोन की बैटरी चले जाना, चार्जर कैरी ना करना, कहीं इसकी कोकड अप स्टोरी तो नहीं है? पता करो इसका इसकी बीवी के साथ रिश्ता कैसा था। सर, हेलो, जर्नलिस्ट सुमन के मर्डर की वजह जानना चाहते हो? आप कौन? उसका लैपटॉप चेक करो, वजह ही वजह छुपी। ये बाथरूम में भी चेक करो, और ये उधर जो कमरा है उसको भी अच्छे तरीके से चेक करो। ऑफिसर, मैं आपको कह रहा हूँ, वो मेरे बच्चों का कमरा है, और जो लैपटॉप आप ढूंढ रहे हैं सुमन का, वो उसकी कार में मिलेगा आपको, प्लीज चेक कीजिए आप। लेकिन हमें मिला तो नहीं, और आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि लैपटॉप कार में ही होगा? सर, क्योंकि सुमन जब भी घर से बाहर जाती थी तो अपना लैपटॉप अपने साथ कैरी करती थी, दैट्स व्हाई आई एम अज्यूमिंग। अच्छा, सुमन के ईमेल का पासवर्ड तो होगा आपके पास? नो सर। घर से क्या क्या सामान चोरी हुआ वो चेक किया आपने? करीब 5 लाख रुपए मिसिंग है। और हाँ ऑफिसर, वो गन जो सुमन अपने साथ लेकर गई थी, उस गन के बुलेट्स अभी तक हमें अलॉट नहीं हुए। लेकिन सुमन खाली गन ले जाकर क्या करेंगे? सर, कांस्टेबल यादव को जो कॉल आया था वो मायापुरी के एक पीसीओ से था, लेकिन ये मालूम नहीं चल रहा कि वो कॉल किसने किया था। सर, कहीं कोई हमें सुमन के लैपटॉप में उलझा के भटका तो नहीं रहा? अगर ऐसा है भी तो जाहिर सी बात है, क्रिमिनल नहीं किया होगा या किसी से करवाया होगा। इसलिए हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है कि पीसीओ से कॉल किसने किया था। पीसीओ के आसपास इंक्वायरी करो, चेक करो कि वहां पे कोई सीसीटीवी है क्या, और हमें सुमन के ईमेल का एक्सेस भी लेना होगा। आजकल बहुत सारे लोग अपना डेटा क्लाउड में स्टोर करके रखते हैं, साइबर टीम की मदद लो। और सुमन जिस न्यूज़पेपर के लिए लिखती थी उसके एडिटर से भी मिलना होगा, अपनी टीम को भेजो। सर, लिसन, आपसे जो भी कहना है ना वेबकैम पे कहना, फोन कॉल्स और मैसेजेस बंद। इतनी अनोखी अनोखी कहानियां लिखने वाला आज अपनी जिंदगी की असल कहानी से डर रहा है? सी, मैं ये फिलॉसफी के मूड में नहीं हूं अभी। अच्छा, और मेरे साथ सोने का भी मूड नहीं है? सी वर्तिका, अच्छा अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैंने तुम्हें एक्चुअल में रिकॉर्ड कर लिया तो? What? अरे बाबा, मजाक कर रही हूँ। देखो वर्तिका, तुम कौन है? कौन है वहाँ? क्या हुआ मौसा जी? सर, सुमन ने तो हमारे लिए लिखना बंद कर दिया था। सुमन का तो 5 साल का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट था ना आपके साथ, और अभी 2 साल बचे थे। हाँ वो तो ठीक है सर, लेकिन उसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए कहा था, और वैसे भी वो खुद का न्यूज पोर्टल बनाने वाली थी। अच्छा, क्या लगता है आपको सुमन और उसके बेटे? सर, मुझे पता लगा कि आपको क्राइम सीन पर एक रस्सी मिली जिससे सुमन का गला दबाया गया। सर, दरअसल सुमन मोना मर्डर केस की स्टडी कर रही थी, जहाँ एक भैंस को बांधने वाली रस्सी से विक्टिम को बांधा गया और बाद में उसको मर्डर कर दिया गया। भैंस को बांधने वाली रस्सी, क्या केस था ये? गोंडा का केस है सर, क्रिमिनल भी काफी पहले पकड़ा जा चुका है। मुझे नहीं लगता कि उसका सुमन और उसके बेटे के मर्डर से कोई कनेक्शन होगा। मैंने अपने करियर में कई केसेस ऐसे देखे हैं कि जिन मुद्दों को हम लाइटली लेके छोड़ देते हैं, बाद में केस का असल मुद्दा वही निकलता है। ये गोंडा केस की फाइल मेरे कैबिन में भेजो। और आदित्य का पता चला उस दिन कहाँ था वो?
सर हमने उसके स्कूल से लेकर घर तक काफी पूछताछ की, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि वो और उसकी माँ उस दिन गए कहाँ। सर सुमन का क्लाउड ओपन हो चुका है, उसमें कई सारे इन्वेस्टिगेटिव फोल्डर्स भी हैं। ग्रेट। थैंक यू सीमा, मुझे लगा नहीं था कि चेक पे लिखे नंबर पे तो मुझे कॉल करोगी। सीमा को याद रखते। दीदी आप डरो मत, ये रघु है, यहाँ का गार्ड हमारे साथ ही है। अंदर चलिए। दीदी मैंने इन्हीं के फोन से फोन किया था, ये बहुत अच्छे हैं। सीमा मैंने सुना है कि इस ऑर्फनेज की बच्चियों के साथ ज्यादती होती है। ज्यादती तो बहुत छोटा शब्द है, यहाँ का मैनेजर हम लड़कियों को बड़े बड़े पार्टीज में भेजता है और वहाँ हमारे साथ। सीमा डरो मत, मैं तुम सबको इंसाफ दिलाऊंगी। रघु तुम उस मैनेजर के खिलाफ बयान दोगे? मैडम वो मरवा देगा, लेकिन मैं सीमा की मदद भी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसे प्यार करता हूँ। बाकी क्लिप्स में तो ऑर्फनेज से जुड़ा हुआ कुछ नहीं मिल रहा। ऑर्फनेज की वो लास्ट क्लिप थी और वो क्लिप थी 12 तारीख की। सुमन का मर्डर हुआ 16 तारीख को और अभी हाल ही में ऐसी कोई न्यूज ब्रेक नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि सुमन इस न्यूज को ब्रेक करने वाली थी और उससे पहले उसका मर्डर हो गया। सर इस जर्नलिस्ट के मर्डर के बारे में मैंने सुना था, ये लेडी हमारे एनजीओ के बारे में कुछ आर्टिकल लिखना चाहती थी कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर बच्चों की सेवा करते हैं। आपके एनजीओ में एक शगु नाम का गार्ड था, हमें पता चला है कि वो सुमन के टच में था। सर वो तो अचानक नौकरी छोड़कर भाग गया। हमें शक है कि रघु सुमन और उसके बेटे आदित्य के मर्डर में इन्वॉल्व है, उसकी सारी डिटेल दीजिए। सर इस मैनेजर ने जो रघु का पता दिया था वो गलत निकला, मैनेजर को उठा ले। कोई फायदा नहीं होगा, ये मैनेजर बोलेगा कि रघु ने ही गलत एड्रेस दिया होगा। ये साबित करने की कोशिश करेगा कि रघु क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है इसलिए गलत एड्रेस दिया होगा। मैनेजर पे नजर बना के रखो, इसके द्वारा ही हमें रघु और सीमा की लीड मिलेगी और ये दोनों ही सुमन और उसके बेटे आदित्य के मर्डर का राज खोलेंगे। सर सर सुमन के पति का कहना था कि मर्डर के वक्त उसका फोन बंद था, लेकिन मिडनाइट को उसने सिंगापुर की अपनी एक लीडर से बातचीत की थी। उस वक्त तो दिल्ली के एक होटल में था एक लड़की के साथ। हाँ था मैं लड़की के साथ, तो क्राइम सीन पे तो नहीं था ना, ये पूछ के साबित क्या करना चाहते हैं आप? एलिबाई स्ट्रॉन्ग करके सुपारी किलिंग। ये दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आवाज नीचे। दरअसल इंस्पेक्टर साहब मैं आप पे नहीं, मैं खुद पे फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। मेरी अयाशी लेटू भी मेरी बेबी सुमन और बेटे आदित्य को। जो भी बोलना चाहते हो साफ साफ बोलो। मेरे लिए तो सब साफ हो गया इंस्पेक्टर, दरअसल बात यह है कि उस दिन मेरा बेटा आदित्य किडनैप हुआ था और सुमन उसके रैंसम के पैसे लेकर गई थी और मारी गई। व्हाट? जी यह मुझे आज ही पता चला है। उस दिन सुमन मुझे बार बार कॉल करती रही लेकिन मैंने उसका कॉल उठाया नहीं। उसके बाद उसने मुझे कई वॉइस मैसेजेस भी भेजे थे जो मैंने उस दिन चेक नहीं किए, लेकिन आज सुने। प्रसून तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कॉल मी बैक इमीडिएटली, आदित्य का किडनैप हुआ है, किडनैपर्स ने मुझसे 5 लाख रुपए की रैंसम मांगी है। सुमन रैंसम के पैसे लेके गई और अगर सुमन को रैंसम के लिए कॉल आया होता तो उसके सीडीआर में दिखता, लेकिन उसके सीडीआर में हमें ऐसा कोई कॉल नहीं दिखा। इंस्पेक्टर साहब आप बोल रहे हैं कि मेरी बीवी सुमन एक जर्नलिस्ट थी और जर्नलिस्ट के अक्सर दूसरे सीक्रेट नंबर भी होते हैं, शायद उसी नंबर पे रैंसम का कॉल आया होगा। सुमन का दूसरा नंबर है तुम्हारे पास? सर मैंने कहा दूसरा सीक्रेट नंबर, वो सीक्रेट रखते हैं फैमिली मेंबर्स को भी नहीं बताते, लेकिन शायद रुद्र को पता होगा। कौन रुद्र? सुमन का। इंस्पेक्टर साहब मुझे शक है कि जिस तरह मेरे दूसरी औरतों के साथ रिलेशन रहे मेरी बीवी सुमन और ये रुद्र भी।
सिर्फ एक आवाज के बेसिस पे हम ये नहीं मान सकते कि जो प्रसून कह रहा है वही सच है। लेकिन सर वो आवाज हूबहू सुमन की लग रही है और वो वॉइस मैसेज भी उसी के नंबर से आया। शायद तुमने प्रसून की किताबें नहीं पढ़ी है। उसके क्राइम थ्रिलर उसके बयान से भी ज्यादा घुमावदार होते हैं। मुझे लगता है कि वो हमें घुमा रहा है। आई स्ट्रॉन्गली फील वो इस मर्डर में इन्वॉल्व है। सर सुमन कोई दूसरा नंबर यूज नहीं करती थी, उसका पति झूठ बोल रहा है। वो तो ये भी कह रहा है कि जरा रिश्ता था उसकी पत्नी सुमन के साथ। सर कैसी बातें कर रहे हैं सर, मेरा और सुमन का कोई रिश्ता नहीं था। सर मैंने आपको फोन किया और आप मुझ पर शक कर रहे हैं। वो पीसीओ से कॉल तूने किया था? जर्नलिस्ट सुमन के मर्डर की वजह जानना चाहते हो? लेकिन सुमन का लैपटॉप तो हमें मिला नहीं और तूने कॉल करके कहा था कि उसकी मौत का कारण उसके लैपटॉप में मिलेगा। सर एक्चुअली सुमन एक ऑर्फनेज को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लैपटॉप में उसी की क्लिप थी। मैं और सुमन मिलके एक न्यूज पोर्टल लॉन्च करने वाले थे और वो ऑर्फनेज की न्यूज ही हमारी पहली पब्लिश न्यूज होती। सर ऑर्फनेज का मैनेजर ग्रीनेश अचानक से गायब हो गया। व्हाट? मैंने कहा था ना उसमें नजर रखना, कैसे गायब हो गया वो? शायद घर के पिछले दरवाजे से। तो खड़े क्या कर रहे हो यहाँ पे, पता करो कहाँ गायब हो सकता है। सर एक बात और, शामली पुलिस को रघु की लाश मिली है, हिट एंड रन केस है, लेकिन सीमा का कहीं पता नहीं चल रहा। शायद रघु और सीमा सुमन आदित्य मर्डर का राज जानते थे। ये हिट एंड रन का केस नहीं है बल्कि रघु को मार के सीमा को गायब किया गया है। हमें यहाँ एक सरकटी लाश मिली है, आइए सर। और लाश के पॉकेट से हमें एक आईडी मिली है जो प्रसून की है। सर सर हमने आसपास काफी सर्च किया लेकिन कहीं भी कटा हुआ सर नहीं मिला। हाँ सर, लेकिन यहाँ से 500 मीटर दूर पे हमें एक कार मिली है जो प्रसून की है। उस तरफ? जी सर। गाड़ी में कुछ ब्लड वगैरह मिला क्या? नहीं सर, कार एकदम क्लीन है। लेकिन सर आदित्य की किडनैपिंग, रैंसम और सुमन के वॉइस मैसेज के बाद में हो सकता है ये प्रसून की एक नई साजिश हो। अपने आप को मर्डर चार्जेस से बचाने के लिए किसी की लाश को डूब करके भाग गया होगा। एक फेमस बुक ऑथर अपने आप को इस तरह से गायब करे, इस पे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। पर कभी कभी गुनाहों की दुनिया किताबों की दुनिया जैसी काल्पनिक लगती है। क्या ये भी इसी तरह का अपराध है? सर हम लाश का डीएनए आदित्य के डीएनए से मैच करते हैं। रिपोर्ट आने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक तुम ये पता करो कि प्रसून का कोई जानने वाला गायब है क्या जिसकी कदकाठी उस सरकटी लाश से मैच करती है। ओके सर। सर आप मुझे बेकार में परेशान कर रहे हैं, अगर ये सब प्रसून ने किया है तो मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। सुमन और आदित्य की हत्या के वक्त तुम प्रसून के साथ थी, वो भी एक होटल रूम में। आफ्टर ड्यूटी आप क्या करते हैं इट्स योर प्राइवेट लाइफ, और सबकी प्राइवेट लाइफ किसी क्राइम से नहीं जुड़ी हो सकती। आप जा सकते हैं। सर इस ऑर्फनेज की लड़कियों की ये लिस्ट देखिए, इसमें एक नाम आलिया का भी है। आलिया? कौन, वो सुमन की भतीजी? यस सर। लेकिन उसका नाम इस लिस्ट में कैसे हो सकता है? मेरी पेरेंट्स की मौत के बाद मैं अपने चाचा चाची के साथ रहने लगी थी, लेकिन मेरे चाचा वो मुझे रोज मैंने मेरी चाची को कभी ये बात नहीं बताई, लेकिन उनको ये बात पता चल गई और उन्होंने मुझे ऑर्फनेज में भेज दिया। ये ऑर्फनेज वाले तुम्हें पार्टीज में भी भेजते थे क्या? तुम मेरा मतलब समझ रही हो ना मैं क्या पूछा? नहीं, मैं वहां एक महीना रही थी लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन सीमा बताती है कि उसके साथ ये सब होता रहता था, और जब मैं मौसी के साथ यहाँ घर आई तो मैं उन्हें ये बता नहीं पाई, और जब मैंने एक दिन उनको ये बताया तो वो वहां पर इन्वेस्टिगेट करने लगे। अच्छा बेटा, तुम्हारी मौसी ने तुम्हारे चाचा के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? चाचा को सजा दिलवाना चाहती थी लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ आइडिया इस वक्त सीमा कहां पर होगी? वो कहती थी कि वो भोपाल की रहने वाली है, और उसी ने मुझे बताया था कि उसका असली नाम नाजिया है।
मैं दरवाजे पर ताला लगा कर जा रहा हूँ, बाहर निकलने की कोशिश भी मत करो, समझी? प्रसून का सोशल मीडिया पर एक चैनल है, उस पर एक वीडियो अपलोड हुआ है प्रसून का, सरकटी लाश मिलने के अगले दिन। दोस्तों, आप लोग मेरी नई नॉवल मेरा अस्तित्व को लेके काफी एक्साइटेड हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, मैंने इसके सीक्वल पर भी काम करना शुरू कर दिया है, जिसका टाइटल होगा द गेमर। अगर ये प्रसून का षड्यंत्र है तो अपना वीडियो खुद अपलोड नहीं करता, या तो फिर ये वीडियो पहले से अपलोडेड था जिसको एक पर्टिकुलर डेट पर रिलीज करने की सेटिंग की गई होगी, या फिर ये वीडियो किसी और ने अपलोड किया है प्रसून के चैनल पर। सर मैं पता करता हूँ, लेकिन सर एक और बात है, एक विदेशी फिल्म है जिसका प्लॉट बिल्कुल इस केस की तरह है, उसमें भी एक आदमी अपने बीवी बच्चे को मारकर एक सरकटी लाश के पास अपनी पहचान के कुछ सबूत छोड़ जाता है। अगर प्रसून उस फिल्म से इंस्पायर्ड है तो हमें यह भी पता करना होगा उस सरकटी लाश किसकी थी। सर मैंने चेक किया है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा नहीं है जो गायब हुआ हो। चल खाना खाने। क्या हुआ, तू चौंक क्यों गया? नहीं कुछ नहीं। तो चल जल्दी खाना खाने आ जा। मम्मी कुछ पैसे चाहिए थे। आज सुबह ही तो 500 रुपए दिए थे, इतनी जल्दी खत्म हो गए? चल अभी खाना खाने आ जा। सर मैंने कभी आलिया का रेप नहीं किया, वो तो सर उसका पालन पोषण भारी पड़ रहा था, इसलिए हमने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ा। आप चाहे तो आलिया की चाची से पूछ लीजिए साहब। वो तो तुझे बचाएगी, वो तो बचेगा नहीं। तेरी करतूत बाहर ना जाए इसलिए तूने सुमन को मार डाला। नहीं नहीं सर, हमने किसी को नहीं मारा। और साहब वो तो प्रसून और सुमन भी महान नहीं थे, साहब वो प्रसून का सुमन की बहन के साथ चक्कर था और आलिया प्रसून की बेटी है, इसी वजह से मेरे बड़े भाई ने सुसाइड किया और फिर आलिया की माँ भी चल बसी। घुमा रहा है भाई? मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, ये तो प्रसून के पुराने कांड थे, उसने कई महिलाओं की जिंदगी बर्बाद की है साहब, और शायद उन्हीं में से किसी ने उसके परिवार के साथ ऐसा किया हो। गगन तू मेरे कमरे, चोरी? तू चोरी कर रहा है? ड्रग्स? तो तुझे ड्रग्स लेने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए थे? माँ मुझे लेके जाने दे। अरे ऐसे कैसे ले जाने तू? पेड़ पे उठते क्या पैसे? माँ माँ जाने दे। माँ गगन। भोपाल पुलिस ने सीमा का फोटो आइडेंटिफाई किया है, उनका कहना है कि ये कोई और नहीं नाजिया है, और नाजिया के अब्बू नाजिया की अम्मी को मारकर खुद फांसी छोड़ गए थे, उसके बाद नाजिया की कस्टडी उसके मामू अफजल के पास आ गई थी। अफजल? यस सर, और इस अफजल का फोटो भी मिला है, ये अफजल कोई और नहीं ऑफरेंज का मैनेजर ग्रीनेश ही है। सीमा उर्फ नाजिया और ऑफरेंज के मैनेजर ग्रीनेश उर्फ अफजल की भांजी, और सर पता चला है कि इस अफजल का विदिशा में घर भी है। आइए सर, ये रूम है, ताला दो। पूरे घर को अच्छी तरीके से चेक करो। नाजिया, मामू मुझे वहां बंद करके गए थे, मुझे नहीं मालूम वो कहां है। और तुम्हें ये तो मालूम होगा, तुम्हारा मामू अफजल और फ्रेंच में ग्रीनिश बन के रह रहा था, और तुम सीमा चल कर रहा था। ये मैं अपने ही मामू की कठपुतली बन के रह गई थी, वो मुझे उस अनाथ आश्रम लेके गए और बाकी लड़कियों के साथ मुझसे भी धंधा। रघु को मुझसे हमदर्दी थी, वो मुझे बचाना चाहता था। जनरल सुमन भी तुम्हें बचाना चाहती थी और तुम्हारे साथ साथ बाकी लड़कियों को भी, पर मारी गई वो। सर मैं सच कह रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, पर उस रात जब वो वहां आई थी तब। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, नहीं तो खोल।
दरवाजा खोल। हाँ? किससे बात कर रही थी तू? किसी से बात कर रही थी? किसी से नहीं। मामू को सब पता चल गया था, फिर उन्होंने मुझे और रघु को अलग कर दिया, मुझे विदिशा में लाके रख दिया और उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैंने भागने की कोशिश भी की तो वो रघु को मार देंगे। फिर अचानक वो विदिशा में आ गए, भेस बदल के रहने लगे। वो रघु को मार के विदिशा भागा था, है कहाँ वो? मुझे नहीं मालूम सर, मैं तो वहां रघु के इंतजार में ही जी रही थी और उसने पानी वानी कुछ नहीं मिलेगा इससे, तड़पने दो और तड़पने दो, तड़प दो। ग्रिनेश की क्या अपडेट है सर? हम पता कर रहे हैं सर, जल्द से जल्द पता करो, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। सर सर बिहार पुलिस ने हमसे कांटेक्ट किया है, 5 साल पहले दरभंगा में ठीक इसी तरह का क्राइम हुआ था जो उस विदेशी फिल्म से इंस्पायर्ड था। एक आदमी अपने बीवी बच्चे को मारकर एक सरकटी लाश वहां छोड़कर भाग जाता है, बाद में पता चला कि उसका डीएनए ही अलग है। सर वो क्रिमिनल अभी तक फरार है। लेकिन बिहार पुलिस ने हमसे कांटेक्ट क्यों किया? सर दरभंगा में जिस आदमी ने क्राइम किया था उसका नाम राकेश है, उसका भाई वहीं रहता है आज भी। उसके भाई को लगातार मेरठ से कॉल आ रहे थे पिछले कई महीनों से, और सर हमारे मेरठ में भी तो उन्हें लग रहा है कि दरभंगा का वो क्रिमिनल राकेश मेरठ में हो सकता है और हमारा केस उस क्रिमिनल से इंस्पायर्ड हो सकता है। मेरठ का नंबर किसका है? सर नंबर तो फेक आईडी का है, लेकिन मेरठ की जनता कॉलोनी में एक्टिव है, सर राकेश की फाइल है। सुनिए ये इनको कहीं देखा है, पहचानते? ये तो रोहित भाई है, अभी अभी सिगरेट लेके गया है। किधर गया? इधर गया। अनिल रोहित उर्फ राकेश। पांच साल से दरभंगा पुलिस को चकमा दे रहा था और अब यहाँ के प्रसन्न और उसकी फैमिली। सर मैं प्रसून और उसकी फैमिली को जानता तक नहीं सर, लेकिन मैं अपनी बीवी की चिक चिक से बहुत तंग था सर। एक दिन गुस्से में उसका खून कर बैठा और मजबूरी में मुझे अपने बेटे को भी मारना पड़ा। फिर मैंने उन दोनों की लाश फेंक दी। दरभंगा पुलिस को जब लाश मिली तो सर वो मुझ पे ही शक करने लगे। उससे निजात पाने के लिए मेरे अंदर उधेड़बुन चल रही थी सर, और फिर सर मैं विदेशी फिल्म की स्टोरी को अपनी रियल लाइफ में कॉपी करने की सोचने लगा, और फिर मैंने एक भिखारी ढूंढा और उसका सर काट के अलग कर दिया और उसकी जेब में अपनी आईडी डाल दी। सर मैं तो यहाँ पर अपनी पहचान बदल के रह रहा था, लेकिन यहाँ भी मेरे जैसा मर्डर? मैं तो खुद हैरान हूँ कि मेरा तरीका किसने कॉपी कर लिया सर। चल एक बार को मान लेते हैं कि तू सच बोल रहा है, तो ये बता यहाँ पे ये बात तूने अपनी किसी को बताई थी? एक दिन नशे में एक लड़के के आगे मुँह खोल बैठा था सर। मुझसे चलाकी करने की कोशिश भी मत करना, तू जानता नहीं मैं क्या चीज हूँ। मैं दरभंगा पुलिस को 5 साल से घुमा रहा हूँ, तू क्या चीज है? कौन था वो लड़का? गगन। सर मैं खुद गगन को लेके काफी दिनों से परेशान हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया वो। कहीं चला गया तो छिपा के रखा उसको कहीं? मेरे बेटे को ड्रग्स की लत है, उसको यहाँ रोक के रखना आसान नहीं है। अपनी तलब पूरी करने के लिए वो कभी भी भाग जाता है। कभी भी भाग जा? हाँ मनीष बोलो। सर रोहित उर्फ राकेश के मोबाइल में गगन और एक बच्चे का वीडियो मिला है। वीडियो? जी सर। सर एक और बात है, 3 दिन पहले साहिबाबाद पुलिस को गगन की लाश मिली थी। जब उसकी पहचान पता करने के लिए उसका फोटो हमारे थाने में आया तो मैंने उसे नोटिस किया,
क्या ये? क्या ये? सर वो मैं बस पैसे के लिए ब्लैकमेल सर। ब्लैकमेल? तूने इस बच्चे गगन को मार डाला, अब बोल रहा है कि इसने तेरा तरीका अपनाया? नहीं सर, मैंने उसका मर्डर नहीं किया सर, मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाया था। इस वीडियो में जो दूसरा लड़का है वो कौन है? उसका दोस्त है सर, मैं उसे नहीं जानता सर, मैं सिर्फ गगन को ब्लैकमेल कर रहा था। और ये वीडियो तभी डिलीट होगा जब 2 लाख और लेके आएगा, ताकि थोड़े पैसे इकट्ठे कर सकूं और अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपना फेस बदल सकूं। हमने तुम्हारी एक्टिविटीज चेक की, जब से गगन का मर्डर हुआ है किसी को भी ऐसा लगा नहीं है कि तुम दोनों को अपने बेटे मरने का आता हो, दुख हो। गगन की लाश मिलने से पहले से तुम्हारे घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, और ये तुम साहिबाबाद के एक सीसीटीवी में कैप्चर हुए जहां से गगन की लाश मिली। हमने ही गगन को मारा और कुछ नहीं किया। ड्रग्स लेता था तो इसका मतलब यह है कि तुम उसका? ड्रग्स लेता था तो क्या, अपनी मां का रे? रुक जा गगन, गगन रुक, कहां ले जा रहे? छोड़ दे इसको, छोड़ दे, चले रुक जा गगन, गगन छोड़ दे गगन, गगन रुक जा, रुक जा। उसके बाद हमने उसे कमरे में बांध दिया, सोचा उसकी ड्रग्स की आदत छूट जाएगी, लेकिन वो तो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। ले खाना खा ले। कहाँ भाग के जा रहे तू? क्या कर रहा है? क्या बोलेगा? संभालिए इसे, माता के तमाशा करेगा ये। कमीने, अपनी मां के साथ। अपनी पत्नी की अस्मिता बचाने के लिए मैंने अपने पति धर्म को निभाया। सर, हाँ मनीष। सर वीडियो में दिख रहे उस दूसरे बच्चे का मालूम चल गया है, वो गगन के स्कूल में पढ़ता था। इस वीडियो में गगन के साथ जो दूसरा लड़का है वो तुम हो, जो क्यों अब? सर वो गगन नशे में पागल हो जाता था और मैं भी। सर फिर गगन ने मुझे बताया वो आदमी ब्लैकमेल कर रहा था, उसे पैसे नहीं देते तो वो वीडियो अपलोड कर देता। सर रोहित ने 8 लाख रुपए लिए गगन से, इतना सारा पैसा कहां से आया तुम लोगों के पास? सर वो गगन का माइंड था सर, उसके दोस्त ने बोला कि आदित्य को उठा लेंगे तो। गगन का कौन दोस्त? सर उसको मैं नहीं जानता सर, वो बस उसका नाम मालूम है गोविंद। वो आदित्य को मोबाइल गेम का शौक था तो गगन ने उससे दोस्ती की और उसे बोला कि उसे गेम खेलने देगा अपने फ़ोन में। फिर हम उसे ले आए और अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती है तो 5 लाख रुपये लगेंगे। आप प्लीज़ मेरे आदित्य को कुछ मत करना, बस मैं अभी आपके पास पहुँच रही हूँ। हाँ मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, तुम कहाँ हो? आदि, 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 छोड़ो, मैं गोली चला दूंगी वरना, हटो यहाँ से। आदि, 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 आ, प्लीज, प्लीज मुझे जाओ। माँ क्या खाली बंदूक से डराती है? तुम्हें पैसे चाहिए? पैसे ले लो। पैसे तो हम लेके रहेंगे लेकिन तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकते, तूने हमारा चेहरा देख लिया है। ए, वो भाग रहा, पकड़ पकड़ उसको। सर वो गन हमारे किसी काम की नहीं थी इसलिए फेंक दी, मोबाइल और लैपटॉप बेच के जो पैसे मिले वो गगन ने रोहित को दे दिए। और प्रसून? मैंने कुछ नहीं किया सर, और वो गगन ने जो भी किया वो गोविंद के कहने पे किया था सर। तुमने सब पैक कर लिया ना?
हाँ कर लिया है। कुछ रहा तो नहीं? नहीं नहीं। चलो चलो। गोविंद आलिया, अरे वाह क्या बात है, बैग बैग के साथ कहाँ जा रहे हो तुम? सब पता चल गया है हमें, गगन तुम्हारा दोस्त था और ये आलिया तुम्हारी क्लासमेट, ये गोविंद बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारा? आलिया दीदी, अच्छा हाँ ये और आई मम्मी को बताता हूँ। अरे आदित्य प्लीज, आदित्य मासी को कुछ भी मत बताना प्लीज, प्लीज आदित्य प्लीज, प्लीज आदित्य प्लीज, प्लीज कुछ भी मत बताना। ठीक है, एक शर्त पे नहीं बताऊंगा। हाँ अपना मोबाइल देना पड़ेगा मुझे गेम खेलने के लिए। लेना। ठीक है नहीं बताऊंगा। तो उसको किडनैप करवा दिया? नहीं नहीं सर, मैंने तो सिर्फ गगन को ये बोला था कि दो चार लगाकर उसको धमका देना, लेकिन उसने आदित्य को किडनैप कर लिया। झूठ मत बोल। नहीं सर, उन पैसों में से शेयर तुम दोनों को भी मिला था ना? नहीं सर, पहले मुझे कुछ नहीं मालूम था, लेकिन बाद में मुझे गोविंद ने सब कुछ बता दिया था। जब गोविंद मुझे बताने के लिए घर आया तो मौसा जी ने उसको देख लिया, फिर उनको हम पे शक हो गया। मैं गोविंद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी सर। अंकल आप गलत सोच रहे हैं, सब कुछ भी नहीं है। मैंने खुद देखा तुम्हें भागते हुए, झूठ मत बोलना। और जब तुम भागे तभी यह अंदर से बाहर आई थी। सच सच बोलो, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में, और सुमन और आदित्य के मर्डर से तुम्हारा क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है मौसा जी, वो उस दिन मैं वो ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा मुझे गगन पे शक है। लास्ट टाइम आदित्य को मैंने उसके साथ ही देखा था, वो गीता कॉलोनी के पास वो जो जंगल है ना, वहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ नशा करता है, बताया था ना मैंने तुमको? हाँ, वो, वो, वो। तुम जानते हो वो जगह? हाँ हाँ मैं जानता हूँ ना। चलो मेरे साथ। आप चलिए। गाड़ी में जाते जाते मैंने गगन को मैसेज कर दिया था कि मैं परशुन अंकल को लेकर गीता कॉलोनी के पास वाले जंगल में आ रहा हूँ, तू हथियार लेकर तैयार रहना। ओए क्या कर रहा है तू? तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो, पागल हो गए क्या? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो। फिर गगन ने उनका सर नाले में फेंक दिया। तुमसे एक छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं हुई कि वो बच्चा तुम्हारा फोन इस्तेमाल करता था, और तुम्हारी मौसी तुम्हें ऑर्फनेज से लेकर आई, बेटी की तरह पाल रही थी तुम्हें, माँ का प्यार दे रही थी, उसका परिवार खत्म करते वक्त तुमने एक बार भी नहीं सोचा। गोविंद और परम जैसे बच्चे जितने बड़े दोषी हैं, उतना ही दोष शायद आलिया का भी है, जो गोविंद पे भरोसा करके कहीं ना कहीं प्रसून सुमन और आदित्य से दगा कर बैठी। दोषी तो मृत गगन भी है, लेकिन अगर वक्त रहते वो अपने परिवार को सच बता पाता तो शायद रोहित उसे ब्लैकमेल नहीं कर पाता। अगर गोविंद ने उन दोस्तों से मदद नहीं ली होती जो पहले ही नशे के दलदल में थे, तो परिणाम कुछ और ही होता। सोचने वाली बात है कि हम बड़े से बड़े फैसले अकेले ले लेते हैं, पर उन्हें अपनों से अपने परिवार से साझा नहीं करते, ये सोचकर कि घर परिवार के लोग ही तो है ना, उन्हें हर चीज बताने की जरूरत ही क्या है। इसीलिए समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, जो साथ रहने वाले लोगों से बनता है, उनके बीच संवाद आचार विचार होते रहने से जटिल समस्या यूं चुटकियों में खत्म हो जाती है। इसलिए अपनों से बात करें, संवाद करें। इसी विचार के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।